हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस, जो हमने कल अपना सेशन करा था कि 24 फरवरी को जो आपका वर्ग 2 का पेपर हुआ था उसमें जो बाल विकास के प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस किया था। तो एक सेट में क्या होता है, 30 नंबर का बाल विकास पूछा जाता है जिसे हम दो सेशन में कम्प्लीट कर लेते हैं ताकि जो वीडियो वो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो और आपको बहुत ज्यादा बोरियत फील ना हो। तो 24 फरवरी का हम यहाँ पर सेशन डिस्कस करने वाले हैं। 18 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी के सेशंस जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 30 सेशंस हम इस पर ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, उनसे क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें घुमा फिराकर वही पूछी जाती है, जैसे कोलबर्ग है, वायगोत्स्की, एल्बर्ट बेंडुरा है, पियाजे है, पेरेंटिंग स्टाइल है, मेमोरी पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको टॉपिक्स पता चलते जाएंगे। और सिलेबस हमेशा, जब भी आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस हमेशा अपने साथ में रखिए। ठीक, ये बात हो गई। और एमपीटेट मॉक टेस्ट के लिए आप जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी लिंक जो है वो शेयर कर देती हूँ, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए, इतनी बात हो गई, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। 16वें प्रश्न से हम आज शुरू करेंगे, 15 प्रश्न हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो क्या कहता है ये क्वेश्चन जरा देखिए और आप लोग खुद से आंसर देने की भी कोशिश किया कीजिए। और जैसा कि आप लोगों ने कॉमेंट में बताया था कि थोड़ा सा हिंदी भी लेकर चलना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो सेशन है वो आपके बायलिंगुअल हो। तो आज के लिए पहला प्रश्न है, What part of the brain responsible for thinking? मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है चिंतन के लिए? तो यहां पर होता है कौन सा, देखिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये इस तरीके से साइंस से यहां पर क्रोमोसोम वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में भी। तो याद रखना 46 होता है और अगर 20 पेयर में पूछे तो 23 पेयर होता है। ठीक है, जीन जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की। हालांकि ये साइंस के क्वेश्चन है लेकिन ये सीडीपी में भी हर बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यकारी, घोषणात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति या फिर संवेदी रजिस्टर। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यकारी यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है 17th का फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पर, और पूरी कोशिश रहेगी कि ये सेशन जो है बायलिंगुअल चले। इनमें से कौन से कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम कर सकती है, मतलब ऐसा क्या है जो मोटिवेशन को कम कर सकता है बच्चे की? शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना, हाँ बिल्कुल सही बात है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता से अधिक ग्रेड देना, ये तो मोटिवेशन का कोई कम करने वाला रीजन तो नहीं हुआ। फिर बात आती है कि जो शिक्षक हैं, शिक्षक द्वारा निम्न प्रदर्शन करने वाले अधिगमकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं भी कर पा रहा है तो भी आप उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर है शिक्षक द्वारा उच्च शैक्षणिक मानक में उत्कृष्टता के रूप में उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले को जज करना। हालांकि जज करना कभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है कि आप किसी भी बच्चे को किसी चीज के लिए जज कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन इसका ये है कि बिल्कुल मोटिवेशन को नीचे गिराने में, कि आपको बच्चे के रीजन जानना है, फिर उसके बाद निदान करना है, रेमेडी देनी है, तो क्या अगर आप उसमें फेल हो जाएंगे तो क्या बच्चा मोटिवेटेड फील कर पाएगा? मोटिवेशन है क्या कि बच्चा जिस काम को वो करने के लिए शुरुआत किया है उसको पूरा करे, ये मोटिवेशन इसमें जरूरी होता है। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन है तो टाइम लग जाता है इसमें, टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम है, तो आप मोटिवेटेड रहे थ्रू आउट द एग्जाम प्रिपरेशन, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
चलिए, तो यहां पर ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी टीचर बच्चे की कमजोरियों का पता लगाने में अगर सफल हो जाता है तो मोटिवेशन बच्चे का ऑब्वियस सी बात है डाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि विच आर द टू एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब एक दूसरे से जुड़े, मतलब डिपेंडेंट हो, तो कौन कौन सी होती है। यहां पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो हमारा आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या एसोसिएट है, जैसे डॉग का एक्सपेरिमेंट वाली बात है तो बेल रिंग होगी तो फूड आ रहा है, या फूड आ रहा है तो सलाइवेशन हो रहा है, एसोसिएट कर रही हैं। ऐसी ऑपरेंट कंडीशनिंग में जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये दोनों चीजें, दोनों जो कंडीशनिंग है वो एसोसिएट है। एसोसिएट मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक दूसरे से नहीं बल्कि ये कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइफ के पिता के बाल सफेद और लंबे, इसलिए वो सोचती है कि सभी के जो पिता हैं उनके बाल सफेद और लंबे होंगे, तो वो किस स्टेज में है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो स्टेजेस हैं ये किसने दी, तो प्याजे ने। कौन सा सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यहां पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चार स्टेजेस हैं, कौन कौन सी है कल भी बताई थी, इसीलिए बोलती हूँ ये सेशन आपस में बहुत ज्यादा को रिलेट करेंगे। तो सेशन सारे देखिए, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो जो अपने पिता के बाल को सफेद देखकर, लंबे देखकर ये कहती है कि सभी पिताजी, सभी के जो पिताजी उनके भी ऐसे होंगे, तो बच्चा प्री ऑपरेशनल में, मतलब वो अहम केंद्रित है, मतलब उसको जो ठीक लगता है या उसने जो सोच लिया वही बात वो केवल अपना एस्पेक्ट देख पाए। इसे हम ईगो सेंट्रिक भी बोलते हैं, केवल अपना पर्सपेक्टिव, सेल्फ परसेप्शन क्रिएट करना, दैट इज ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, और अगर इस तरीके से कल एक क्वेश्चन आया था कि जो बच्चा है जितनी भी व्हाइट लिक्विड मटेरियल है उसको क्या समझता है, मिल्क समझता है, दैट इज जनरलाइजेशन, उसने जनरलाइज कर लिया। लेकिन यहां पर चूंकि स्टेजेस में पूछा गया था तो ये प्याजे की स्टेज है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आइजेंक ने व्यक्तित्व के तीसरे आयाम, तो आइजेंक का आपको इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाला पता ही है, साइकोटिसिज्म, इन्होंने यहां पर एक और जोड़ दिया था, तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड था, ये होता ही है, किया ही है आइजेंक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है, मतलब उसमें धैर्य नहीं है। तो जब भी ये सब धैर्य धीरज वाली बात आती है कि उसमें ध्यान की कमी है या थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख पाता है बच्चा, उसमें ये सब चीजों की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर आपने लर्निंग डिसेबिलिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो सीडीपी फुल कोर्स में देख लीजिएगा, सीडीपी फुल कोर्स में अनुभव स्टडी फैक्ट में लर्निंग डिसेबिलिटी में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसप्रेक्सिया, अफेजिया, एडीएसडी, तो ये सब दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। प्याजे की भी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया, तो प्याजे की भी थ्योरी अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो थ्योरी वाला सेशन देख लीजिए, सीडीपी फुल कोर्स बाय और सीडीपी फुल थ्योरीज और सीडीपी चैप्टर वाइज। सीडीपी चैप्टर वाइज ये नया सेशन है, तो अभी इसमें दो चार वीडियोज ही है, हर सैटरडे को हम अपना
थ्योरी वाला सेशन लेकर आते तो वो जरूर देखा करो, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वो सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल करेगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट, बताना है हमको। तो मैंने उस दिन भी बताया था जब ह्यूमनिस्ट थ्योरी थ्योरिस्ट की बात आती है तो हम बात करते हैं अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स के बारे में। अब आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करना रहेगा, वैसे तो दोनों नहीं दिए रहते हैं लेकिन कभी एक दिया हो तो हम इस पर टिक करेंगे अगर दोनों दिया है, और अदरवाइज ऑप्शन के थ्रू हम आंसर जा सकते हैं। जैसे इसमें अब्राहम मैस्लो नहीं दिया तो कार्ल रोजर्स हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो अधिगम है उसके प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज के रूप में आप कैसे परिभाषित करेंगे, सबसे अच्छा बताना है हमें। तो केवल शिक्षार्थियों द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, आयु के साथ संशोधित किया जा सकता है। सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर, बिल्कुल सही बात है, संशोधित नहीं किया जा सकता। तो जब तक एक पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी चीज में अगर क्रिएट नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा। यहाँ पर दिया है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर, तो पॉजिटिव एटीट्यूड तो वैसे ही सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, यहां पर आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं, अगर आप पढ़ के भी नहीं गए हो तो भी आप बहुत अच्छे से हिट कर लोगे पढ़कर ही, वहां एग्जाम में देखते ही साथ आप इस क्वेश्चन को हिट कर लोगे, दैट्स कॉल्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यहां पर ब्रेन का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो राउंड रॉबिन चार्ट्स है तो ये किसके लिए होता है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन हम जिसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें क्या होता है बच्चे एक दूसरे के अगेंस्ट में आके जो एक्टिविटीज है वो करते हैं और अपने ही दायरे में रहकर, जो उनके डिविजन्स बांट दिए जाते हैं उसमें ही रहकर, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, फॉर एवरीवन, मतलब एक बच्चा हर किसी के लिए, फिर दूसरा बच्चा हर किसी के लिए, इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, आज के कक्षाओं के जो छात्र उनके बीच सांस्कृतिक जाति और नस्लीय डैश की एक विस्तृत श्रृंखला होने की जो संभावना है, तो ये तो डायवर्सिटी है, डायवर्सिटी ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो देखो ये वाले सेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हम 100 सेशंस डिस्कस कर लेंगे, 30 हम कर चुके हैं, तो ये सेशन बिल्कुल मिस मत करो क्योंकि डायवर्सिटी पर हम पहले बात कर चुके हैं, अब्राहम मैस्लो पर हम पहले बात कर चुके हैं, सेम ADHD पर, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत तरह की है लेकिन मेन हम ADHD पर भी बात कर चुके हैं। तो ये सेशंस जरूर देखो, अगर अभी तक नहीं देखा है तो 30 सेशंस धीरे धीरे एक एक करके, एक एक दिन में एक एक दो दो सेशन देख लो, 15 से मतलब मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा दो सेशन में, वैसे तो 12-13 मिनट 15 मिनट का बनता है, मैक्स 15 का बनता है, तो आधा घंटे भी अगर आप दो सेशन देखने में लगाते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गिविंग अ स्टिमुलस टू अ चाइल्ड वांट्स टू मोटिवेट, अब आपको मोटिवेट करना है किसी भी बच्चे को, तो आपने देखा होगा इनाम वगैरह दिया जाता है जिसे हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में रीइंफोर्समेंट कहते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ तो देखो बहुत ज्यादा रिट्रो से पूछ लिए जाते हैं, अब जैसे इसको इजी की कैटेगरी में रखा जाएगा, हालांकि इजी टफ कुछ होता नहीं है, जो हमें आ जाता है वो इजी बन जाता है, लेकिन फिर भी रीइंफोर्समेंट से आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई तू ये, बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट ही नहीं देते रहना है, ऐसा कि तुम ये पढ़ोगे तो स्टार दिया जाएगा, गुड दिया जाएगा, वेरी गुड दिया जाएगा, इतने आवर्स रीडिंग करोगे या फिर इतने टाइम एक जगह बैठकर पढ़ोगे। कुछ बच्चे होते हैं ना जैसे ADHD जिसमें हाइपर एक्टिविटी बच्चों में होती है, अटेंशन डेफिशिएंट होता है कि ध्यान लगाकर नहीं पढ़ते, उठते बहुत बार है, एक घंटे में पता चले 6-7 बार उठ जाते हैं, तो उनके लिए रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छी चीज होती है कि उनको आप मोटिवेट करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एज अ टीचर व्हेन यू वर्किंग इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम, तो ये आपका किस तरीके से काम होता है, फैसिलिटेटर के रूप में, सहायक के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में, और टीचर को एज अ फैसिलिटेटर के रूप में NCA 2005 के अकॉर्डिंग कहा गया है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और एनसीएम वगैरह पे भी सेशंस धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे, सीडी पे फुल मतलब चैप्टर वाइज करके हम जो सीरीज ला रहे हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बॉब एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रखते हैं और ये कथन अभिव्यक्ति परीक्षण की किस विशेषता को बताता है। तो स्पेशियल थिंकिंग है, स्पेशियल थिंकिंग, ये अगर आप थिंकिंग इस तरीके से देखना चाहते हैं तो हॉवर्ड गार्डनर की पूरी एक वीडियो मैंने चैनल पर अपलोडेड की है सीडीपी फुल कोर्स में। तो हॉवर्ड गार्डनर की जो इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो वहां पर देख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट भी है और आज के लिए लास्ट भी है कि एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को अगर आप निरूपित करना चाहते हैं तो ये प्रकृति उसका मिजाज है। हालांकि इसको पर्सनैलिटी का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी धीरे धीरे डेवलप होती है, लेकिन जो जन्मजात है वो आपको मिजाज होता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।